नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस खास एपिसोड में आज लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं। दरअसल इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की सत्ता और विरोधी दोनों ही दलों में गहमा गहमी मची हुई है। कहीं पैसे लेकर तो कहीं कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर टिकट बांटे जा रहे हैं। वहीं लालू यादव ने एक ऐसी महिला मुन्नी देवी को टिकट थमा दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सभी नेता इसके लिए कुर्ता पैजामा चमकाते रहे और उन्होंने टिकट दे दिया रेलवे स्टेशन के निकट आयरन करने वाली महिला को। लेकिन एक समय था जब लालू यादव इसी तरह सर्वहारा वर्ग में टिकट बांटते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे ब्रह्मदेव आनंद पासवान। ये वाकया है 1990 का। उस समय लालू यादव फुल ताकत में थे, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरी ताकत के साथ काबिज थे। उनकी तूती बोलती थी। तब उनकी शान में ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने लालू चालीसा लिखी थी। हालांकि लालू चालीसा को लेकर लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की, उन पर चाटुकारिता करने का भी आरोप विरोधियों ने लगाया। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया था कि ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। लालू यादव खुश थे, आरजेडी के लोग गदगद थे, ब्रह्मदेव पासवान के लिए यही काफी था। लालू यादव तो उनकी प्रशंसा करते कभी अघाते ही नहीं थे। ब्रह्मदेव पासवान का कद पार्टी में इतना अधिक बढ़ गया कि आरजेडी की ओर से आयोजित जनसभाओं में भी वे मंच का हीरो बन गए। लालू चालीसा लिखने वाले ब्रह्मदेव पासवान पर आरजेडी सुप्रीमो इस कदर मेहरबान हो गए कि उन्हें राज्यसभा का टिकट दे डाला। इसके बाद तो उनका और अधिक जय जयकार होने लगा। हालांकि जब एक बार मीडिया ने उनसे पूछा कि आप पर विरोधी चाटुकारिता करने का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त की परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि उन्होंने लालू चालीसा की रचना कर दी और उस माहौल और परिस्थिति में हमें जो सही लगा हमने कर डाला। ब्रह्मदेव आनंद पासवान का बीच में आरजेडी से संबंध खराब भी हो गया था, लेकिन लालू यादव के प्रति वे उदार ही बने हुए थे। हालांकि उनका लालू से मोह भंग होने के पीछे बड़ा कारण ये था कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा गया था। इसके बाद वे कांग्रेस में भी अपना भाग्य आजमाने गए, लेकिन वहां ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। बीच में उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली थी। हालांकि लालू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार वे मुन्नी देवी को टिकट देने को लेकर चर्चा में हैं। लालू यादव ने मुन्नी रजक को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। इसकी घोषणा होते ही सियासी गलियारे में हलचल मच गई। लोग जानने को बेताब हो गए हैं कि ये मुन्नी देवी आखिर हैं कौन। इसके बाद जब पता चला तो खुद को सियासी गलियारे के कद्दावर कहे जाने वाले नेताओं के होश फाख्ता हो गए। लंबा लंबा कुर्ता पैजामा चमकाने वाले नेताओं ने कल्पना तक नहीं की थी कि लालू यादव एक कपड़ा धोने वाली महिला को विधान परिषद भेज देंगे। लेकिन जब सूची जारी हो चुकी थी तो इस पर बहस का अब कोई मायना नहीं रह गया था। यहाँ तक कि मुन्नी देवी को भी पता नहीं था कि उसकी तो लॉटरी लग गई है। ये वजह रही जब मुन्नी देवी को राबड़ी आवाज से बुलावा आया तो वो डर के मारे जा ही नहीं रही थी। बाद में उसे टांग कर ले जाया गया। वहां जाकर पता चलता है कि एक गरीब कपड़ा धोने वाली को बहुत बड़ा उपहार लालू प्रसाद यादव की तरफ से दे दिया गया है। और फिलहाल लालू प्रसाद यादव के इस कदम की चर्चा बिहार की सियासत में एक बार फिर से होने लगी है। लालू प्रसाद यादव का जब दौर था तब इसी प्रकार की राजनीति के लिए वे स्वयं भी जाने जाते थे, और एक बार जब फिर से वो सियासत में सुख भुगाने लगे हैं तो ऐसे में मुन्नी देवी को टिकट देकर सबको चौंका डाला है। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।